अब प्रदीप फिर से जुड़ गए हैं। प्रदीप, 11 संकल्प 10 गारंटी, ये राजनीतिक संदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल के लोग इन वादों को, इन घोषणा पत्रों को कितना गंभीरता से लेते दिखे हैं? देखिए संदीप, जाहिर सी बात है जो कांग्रेस का मोमेंटम वापस आया है, जो पिछड़ी हुई लग रही थी एक महीना पहले तक, वो इन्हीं गारंटी की वजह से वापस आया वो मोमेंटम। और खास करके जब प्रियंका गांधी के मुंह से स्टेज पे ये सारी गारंटियां सुनी तो लोगों को थोड़ा विश्वास कांग्रेस पे तब जगा जब कांग्रेस का मोमेंटम तब वापस आया। और दूसरी बात संदीप, जो आज बीजेपी के संकल्प है, आप देखिए इन्होंने कहा 8 लाख नौकरी, और वो एक कहा कि GST जो है वो सेब की पैकिंग पे 12 पे रखा जाएगा। यही तो दो इशू बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा इशू है कि स्टेट में तकरीबन मार्च 2022 तक 8,82,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और वो सेब को लेके जो GST का मामला हुआ था। अब यही दोनों चीजें आपने अपने मैनिफेस्टो में डाल दी, 11 संकल्प में डाल दिए, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि या तो उसका जो है वो कुछ प्रॉपर वो देते कि पहले क्यों नहीं दी गई। सवाल तो ये पूछे जाएंगे ना कि 8 लाख नौकरी का वादा आप अगले 5 साल कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं कुछ किया गया। और वो GST वाला तो सेब का मुद्दा है, वो उसमें सेब वालों को सिर्फ ये कहने भर से कि उसको 12% रखा जाएगा, शायद यही कहा अगर मैं सही हूं तो, उस पे मुझे नहीं लगता कि इतना जो है विश्वास कर पाएंगे खास करके सेब किसान, क्योंकि इस बार जो हालत हुई है सेब के जो फसलों की और सेब के जो रेट मिले हैं उसके बाद से ये थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ लग रहा है। हाँ, जो आपने अतिरिक्त 3,000 जो रुपये किसानों को देने की बात की, छोटे किसानों को, वो एक अच्छा कदम है। वो आपको जो है वो कह सकते हैं कि कुछ, क्योंकि मार्जिनल किसान और छोटे किसान ही, क्योंकि लैंड होल्डिंग पहाड़ी राज्य है तो कम है, बड़ी लैंड होल्डिंग नहीं है, तो ये आपके फेवर में जा सकता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य सिर्फ यही हुआ, 8 लाख नौकरी वाला और GST वाला और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, क्योंकि वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड हिमाचल में, क्योंकि आपको पता ही है डोमिनेट जो है हिंदू डोमिनेशन है स्टेट में। तो यहाँ ये मुझे थोड़ा सा लगा कि एक जो 900 करोड़ का शायद स्टार्टअप फंड है वो भी एक अच्छा संकल्प, जो अच्छा चीज जो है इसमें डाली है, क्योंकि कांग्रेस ने 680 करोड़ है शायद, 680 करोड़ का तो स्टार्टअप जो फंड था।